काला धन कटाक्ष कितना काला धन आ गया भैया बताओ तो जवाब अभी तक कुल दो लाख बारह हजार करोड़ का काला धन वापस आ गया 2014 के बाद और अभी दो पॉइंट उन्नीस लाख करोड़ जांच के दायरे में है तथा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अठानसे पांच हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की नोटबंदी कटाक्ष नोटबंदी से क्या फायदा हो गया बेकार करी जवाब सिर्फ नोटबंदी से एक लाख पैंसठ हजार करोड़ काला धन पकड़ में आया और जब्त कर लिया गया और नोटबंदी के तुरंत बाद छप्पन लाख टैक्स पेयर्स बढ़ गए तथा 2.1 लाख फर्जी कंपनियां बंद कर दी गईं। गंगा सफाई कटाक्ष हां भैया तो गंगा साफ हो गई जवाब नमामि गंगे कुल 10 साल का प्रोजेक्ट है और 30 नवंबर 18 तक चौबीस हजार छह करोड़ रुपए के कुल दो छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स जारी किए जा चुके हैं तीन हजार तिरासी एम क्षमता के नए ट्रीटमेंट प्लांट और चार हजार आठ सौ इकहत्तर किलोमीटर की सीवर लाइन शामिल है तीस बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और मार्च दो हजार चौबीस तक सत्तर परसेंट तक गंगा साफ हो जाएगी स्मार्ट सिटी कटाक्ष कितने स्मार्ट सिटी बन गए भैया जवाब स्मार्ट सिटी में 1.6 लाख करोड़ के कुल 3000 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दिसंबर 18 तक उन्तीस हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए या काम चल रहा है और वॉन्ग पॉइंट दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स के टेंडर जारी किए जा चुके हैं एनपीए कटाक्ष मोदी के समय एनपीए बढ़ गया और क्या किया मोदी ने जवाब मोदी के समय एनपीए बढ़ा नहीं छुपा हुआ दस लाख करोड़ का एनपीए सामने आया जो 2008 से 2013 के बीच हुआ था और हां उसमें से 2.61 लाख करोड़ रुपया वापस आ चुका है और अभी 1.8 लाख करोड़ और आ जाएगा अगले एक साल में बचत कटाक्ष कितना पैसा बचा लिया भैया तुम्हारे मोदी ने जवाब मोदी ने पिछले साढ़े चार साल में रिकवरी और सब्सिडी से 9.2 लाख करोड़ रुपए बचा चुके हैं उसके अलावा 8.46 लाख करोड़ और बचा चुके हैं एनपीए रिकवरी और डिसइन्वेस्टमेंट आदि से और अगले एक दो साल में ग्यारह पॉइंट करोड़ रुपया और बचेगा कुल हुआ लाख करोड़ नौकरी कटाक्ष लोग बेकार बैठे हैं नौकरी है नहीं कुछ नहीं हुआ जवाब सो डाटा के अनुसार एक पॉइंट सिक्स करोड़ नौकरियां पिछले एक साल में मिली वन पॉइंट फोर्टी थ्री करोड़ नौकरियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैदा हुई वन पॉइंट फोर्टी टू करोड़ रोजगार टूरिज्म में पैदा हुए आईटी में छह लाख और मोबाइल इंडस्ट्री में छह सात लाख नौकरी मिली खाली यही नहीं 3.49 करोड़ नए उद्यमी अपने पैरों पर खड़े हुए सबसे बड़ी बात की अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर थ्री परसेंट रह गया इकोनॉमी कटाक्ष भैया इकोनॉमी बैठी जा रही है जवाब मोदी के शासन में औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3 परसेंट रहा खुदरा महंगाई दर उन्नीस के बाद सबसे कम 4.8 परसेंट रही अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ घटकर उनटाइट और आठ परसेंट रह गया दरअसल सवाल या कटाक्ष बहुत आसान होता है सवाल सड़क छाप भी कर सकता है परंतु उनका जवाब थोड़ा कठिन होता है सबसे बड़ी बात कि ऐसे सवाल करने वालों को खुद उसका जवाब नहीं पता होता और शायद जाना भी नहीं चाहते पर आप जवाब पढ़ें और विरोधियों के मुंह पर बताएं